जनता की सेवा करना मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है और मैं इसे बखूबी निभाऊंगी। तो राजनीति गुरु अपने ससुर जी को मानते हैं? जी बिल्कुल। झारखंड विधानसभा चुनाव में नामांकन का आज छठा दिन है। आज पश्चिमी और पूर्वी से कई सारे प्रत्याशियों ने नामांकन किया, जिसमें सबसे बड़ा चेहरा, बड़ा नाम जो उभर कर आ रहा है वो है पश्चिमी से बन्ना गुप्ता बनाम सरयू राय। वहीं पूर्वी से एक महिला प्रत्याशी ने, जो कि रघुवर दास जी की बहू भी है, उन्होंने आज नामांकन किया है। इसके अलावा पूर्वी से डॉक्टर अजय कुमार का चेहरा उभर कर सामने आ रहा है। साथ ही अन्य कई प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। आइए सीधे उनसे जानते हैं कि वे क्या कुछ कहते हैं, उनके चुनावी मुद्दे क्या क्या है और वे आगे अगर चुनाव में जीत हासिल करेंगे तो वे जनता के लिए क्या कुछ कार्य करेंगे। महिला का सुरक्षा तो जो आका है भाजपा के, उन्हीं से तो खतरा है। इन लोग की गुंडागर्दी आप देख लीजिए। भाजपा के जो प्रत्याशी के परिवार है, पहले सबसे बड़ा कारण तो असुरक्षा का, तो वही लोग है, वहां से शुरू कीजिए, उनका खात्मा करना जरूरी है। महिला सबसे आरोपित है उनके परिवार के गुंडागर्दी से। उसके अलावा जमशेदपुर में पूरी तरह से चारों तरफ से सीसीटीवी सिर्फ लगाना नहीं है, एक कंट्रोल रूम पुलिस का ऐसा व्यवस्था होना चाहिए कि जो सचमुच में काम करे। हर चौक चौरा गली पर जो है सीसीटीवी होने की जरूरत है और एक कंट्रोल रूम होने की जरूरत है, क्योंकि सीसीटीवी सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए नहीं है, वो 24 घंटा मॉनिटर हो जाए, थाना के सामने सीसीटीवी लगे ताकि गरीब के साथ अत्याचार नहीं हो, ये भी जरूरी है, क्योंकि कोई मामूली धारा में जो 4-5 गरीब को पकड़ करके जो, वो भी जरूरी है। हर गली में सीसीटीवी हो और एक सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम हो, ताकि पूरा 24 घंटा जमशेदपुर शहर को दिखाई दे कि कहां पर हर गली में, रोड मेन चौक चौरा पर काम नहीं चलेगा, वो तो कई शहर ने किया है, हम लोग इसको भी करेंगे, उसका बजट चाहिए तो हम लोग एमएलए फंड से करा देंगे। चुनौती देखे, युद्ध जो तो युद्ध होता है, चुनाव लड़ना है, चुनौतियाँ रहेंगे, लेकिन सभी लोग के सहयोग से, वहाँ की जनता की सहयोग, वहाँ के कार्यकर्ता की सहयोग से पूरे चुनाव को हम लोग अच्छी तरह से चुनाव करेंगे और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, बहुत अच्छा सा चुनाव होगा, क्योंकि सब लोग सहयोग में हैं और सभी साथ चलने को तैयार हैं। क्या मुद्दा लेकर? सबसे पहले जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित मतदाताओं को हम ये कहना चाहेंगे कि इस बार NDA के प्रत्याशी के रूप में मैं जन अदालत में आया हूं और जनता मेरे पक्ष में मतदान करेंगे और मुझे तीसरी बार के लिए झारखंड विधानसभा भेजने का काम करेंगे। इसलिए भेजेंगे क्योंकि NDA की सरकार बनानी है और वर्तमान समय में NDA की ज़रूरत है, झारखंड को बचाना है और NDA को लाना है। आज आपने नामांकन किया है, किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरेंगे? मैं सबसे पहला, मेरा मुद्दा रोजगार रहेगा, शिक्षा रहेगा, स्वास्थ्य रहेगा, ये तीनों चीज़ बहुत बड़ा मुद्दा है। रोजगार का अभी तक कुछ नहीं हुआ है, हमारा पहला प्राथमिकता रहेगा। हम अगर चुनाव जीतते हैं तो प्रत्येक परिवार को रोजगार देने का काम करूंगा और महिला को उद्योग के क्षेत्र में हो, नौकरी के क्षेत्र में हो, मैं उसको देने का प्राप्त करूंगा, कार्य करने का प्राप्त करूंगा, किस तरह किया जाए। 86 बस्ती बहुत बड़ा मुद्दा है, 86 बस्ती का मुद्दा, इस पर सिर्फ राजनीति हुआ अभी तक। अगर हम लोग को, हमारे पार्टी को जनता विश्वास करते हैं और वोट देते हैं तो इसका फुल स्टॉप कर देंगे, राजनीतिकरण बंद कर देंगे और 86 बस्ती का जो अच्छा काम है, जो जनता के लिए होगा, जनहित में होगा, वही करेंगे। वही सेवा, वही मैं विरासत नहीं संभाल रही हूँ, मैं सेवा की विरासत संभाल रही हूँ। इस सेवा की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए मैं आगे आई हूँ और समस्त जनता की सेवा करना मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है और मैं इसे बखूबी निभाऊंगी। तो राजनीति गुरु अपने ससुर जी को मानते हैं? जी बिल्कुल। तो उनके जो काम छूटा हुआ है उनके विधानसभा में, जब वो मुख्यमंत्री थे, तो क्या उसको पूरा करने के लिए कोई प्रयास कर पाएंगे? जी बिल्कुल, अगर जनता मुझे एक मौका देती है तो ये तो काम तब छूटा जब सरकार बदली हुआ, जब सरकार हमारा जब गिरा उसके बाद ये काम सारी रुक गई। जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ प्रोफेशनल कॉलेज खुला हुआ था, जिससे लड़कियों को, युवाओं को रोजगार भी मिलता और स्किल डेवलपमेंट भी होता, पर
जो हमारी जेएमएम की सरकार जब आई तो उन्होंने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया, इसे बंद करवा दिया, इस पर ध्यान ही नहीं दिया। अभी वो प्रोफेशनल कॉलेज कचड़े की उसमें कगार में आ गया, इतनी जर्जर स्थिति में आ गया कि अब हम बता नहीं सकते। तो बस मैं उन्हीं जो कार्य जो छूटा हुआ कार्य है तो उसे मैं पूरा करने में अपना जो है पूरा ध्यान केंद्रित करूंगी, और अगर मुझे जनता एक मौका दी तो मैं अवश्य अवश्य उन्हें आश्वस्त दिलाती हूं कि मैं उनके हर एक कार्य हर एक भावनाओं का लाज रखूं। तो आपने सुना कि सभी प्रत्याशीगण क्या कुछ कह रहे हैं, और आज नामांकन का छठा दिन है, कल नामांकन की अंतिम तिथि होगी जिसके पश्चात सभी प्रत्याशी अपने चुनाव के प्रचार प्रसार में जुट जाएंगे। कैमरा पर्सन गणेश के साथ प्रतीक्षा झा, द न्यूज़ पोस्ट, जमशेदपुर।